और बड़ी खबर इसराइल हमास युद्ध से जुड़ी हुई। गाजा के अल अहली अस्पताल पर हुए हमले के बाद फर्श पर हर जगह शव ही शव दिखाई दिए और उन्हीं के बीच से घायल लोग डॉक्टरों के लिए चीख पुकार मचाते दिखे। धमाका होते ही कई लोग अस्पताल के दूसरे हिस्से की तरफ भागे, किसी का हाथ कटा था तो कई पैरों को खोने के बाद इलाज की उम्मीद में आ रहे थे। मरीजों की संख्या एकदम से बढ़ गई और अंधेरे में डॉक्टर भी बिना एनेस्थीसिया यानी कि बेहोश के दवा के बिना ही फर्श पर उनकी सर्जरी करने के लिए मजबूर हो गए। मेडिकल सामग्री की कमी के चलते अस्पताल में पहले से ही हालात बुरे थे। प्लास्टिक सर्जन गासन अबू सित्ता ने बताया कि एक जोरदार धमाके के साथ उनके ऑपरेशन कक्ष की छत ही गिर गई। घायल लड़खड़ाते हुए हमारी ओर भागे। हमने सैकड़ों मृत और गंभीर रूप से घायल लोगों को देखा। अस्पताल परिसर में शवों के टुकड़े बिखरे हुए दिखे। विस्फोट स्थल पर जली हुई कारें बिखरी पड़ी थी और जमीन पर मलबे का अंबार था। पीड़ितों को गंभीर चोटें आईं, कुछ के सिर फटे हुए थे जबकि कुछ के अंग ही कट गए थे, गायब थे। ऑर्थोपेडिक सर्जरी प्रमुख फादेल नईम ने बताया कि लोग चीख रहे थे। अस्पताल छत विक्षत शवों और घायल लोगों से भर चुका था। डॉक्टर नईम ने बताया कि जिसे भी बचाया जा सकता था हमने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन लोग बहुत ज़्यादा थे और मेडिकल टीम बहुत छोटी। सऊदी अरब, UAE, बहरीन, मिस्र, जॉर्डन और तुर्की ने अल अहली अस्पताल पर बमबारी के लिए इसराइल को जिम्मेदार ठहराया, जबकि इजरायली PM बेंजामिन नेतन्याहू ने इन मौतों के लिए गाजा में क्रूर आतंकवादियों को ही जिम्मेदार ठहराया। सऊदी अरब में मुस्लिम देशों के नेताओं ने एक बैठक में इसराइल के साथ रिश्ते खत्म करने पर भी जोर दिया। इस बैठक में गाजा के अस्पताल में बमबारी की निंदा कर मुस्लिम देशों ने एकजुटता जताई। विश्व निकाय के शीर्ष नेताओं और एजेंसियों ने अल अहली अस्पताल पर हुए हमले में कई लोगों की मौत पर गहरा दुख जताया और घटना की कड़ी निंदा की। वहीं संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि ये हमला अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का उल्लंघन है। घटना को अंजाम देने वाले अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक जवाबदेह ठहराए जाने चाहिए। महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि मैं ताज़ा घटनाक्रमों से बेहद दुखी और व्यथित हूँ। तो ये स्थिति पूरे गाज़ा में देखने को मिल रही है। इसराइल हमास या फिर इस्लामिक जिहाद, गाज़ा के अस्पताल पर हवाई हमला आखिर किसने किया, ये अहम सवाल उठकर सामने खड़ा है। सब एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा और हमास का दावा है कि इस हमले में 500 लोग मारे गए हैं। हमास ने इजरायली सेना पर हवाई हमले को लेकर आरोप लगाया था। दूसरी ओर इजरायली सेना ने इस हमले के पीछे फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद का हाथ होने का दावा किया था। ठीक हमले के बाद ही एक दूसरे पर दोषारोपण शुरू हो गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक जिस अस्पताल पर हमला हुआ वो गाज़ा पट्टी के उत्तर में पड़ने वाले उन 20 इलाकों में से एक था जहां से इसराइल ने लोगों को निकल जाने के लिए कहा था। बहरहाल अस्पताल पर ये हमला अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के इसराइल दौरे से ठीक एक दिन पहले हुआ, ये बहुत ही अहम था। और शुरुआती जो विजुअल हैं वो एविडेंस इस ओर इशारा करते हैं कि इस हमले में इसराइल का हाथ नहीं था बल्कि हमास की तरफ से ही एक बॉम्ब मिसफायर हुआ जिसके बाद अस्पताल की ये हालत हुई और हर तरफ मौत ही मौत नजर आ रहा था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।